गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ KTM का इंडिकेटर्स जो आप सभी बाइकों में लगा सकते हैं, ये यूनिवर्सल है। तो मैंने एक दिन रात को KTM ड्यूक देखा था, तो उसका ब्राइटनेस एकदम जबरदस्त था, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपाची में लगा के देखूँ, तो मैंने अमेजोन से लिए थे। तो आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर्स है जो मैंने अमेजोन से लिए थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कंपनी आके लव यू स्टार है, जो आफ्टर मार्केट कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दो नंबर माल है, अच्छा ही काम करेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये दो सेटों में मिल जाएगा, टोटल आपको चार इंडिकेटर्स मिलेगा। मुझे अमेजोन में ये चार मिला के 395 पड़ा था, तो आपको राउंड फिगर 400 रुपीस पड़ेगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो हम इंडिकेटर्स का फिजिकल फीचर्स देखते हैं, तो मैं ये हटा देता हूँ। इंडिकेटर्स का बिल्ड क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त है, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, बहुत हार्ड फाइबर से बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये रबर पार्ट है जो पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा कोई आके को टकराया तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, एकदम पूरा फ्लेक्सिबल है ये पूरा रबर पार्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 9 LEDs है, तो आप ही सोच सकते हैं कि कितना ब्राइटनेस होगा, एकदम जबरदस्त दिखेगा रात में, रात और दिन में भी। जैसे आपको मालूम है LED लो पावर कंसप्शन और हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी है। एकदम स्टॉक इंडिकेटर से बहुत बहुत छोटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में। मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूँ, इसको कैसा इंस्टॉल करना है अपने गाड़ी में। अगर मैं यही वीडियो में वो बता दिया तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं उसको स्पेशल वीडियो बनाता हूँ कैसा इंस्टॉल करना है, पूरा वायरिंग कैसा करना है पूरा मैं बता देता हूँ डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। तो इंडिकेटर्स बहुत छोटा है, देखो आप मेरे फिंगर से आप डिफरेंस आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सेम मेरा फोर फिंगर की इतना ही है साइज, इसका बहुत छोटा है। और इसका खास बात यह है कि ये सभी बाइकों में आराम से फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अनफिट है, पूरा ये यूनिवर्सल मेड है। तो अगर आपको बाइक स्प्लेंडर हो, पैशन हो, पल्सर, अपाची, कोई भी बाइक हो तो इसमें आराम से बैठ जाएगा। ये स्क्रू आप जो देख रहे हैं यूनिवर्सल मेड है, तो ऐसे बनाए हैं लोगों ने कि सभी बाइकों में ये फिट हो जाना है। ये वायरिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा डेलिकेट नहीं है, पूरा एकदम हार्ड है, ऊपर का प्लास्टिक। और ये सिंपल प्लग एंड प्ले है, वायरिंग डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मैं आपको वो अगले वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता देता हूँ कि ये वायरिंग कहाँ कहाँ लगाना है अपने बाइक में। तो और एक बार देख लीजिए इंडिकेटर्स को, सो आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो हियर, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो जो है इसको अपने गाड़ी में कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, तो उसका लिंक आप उधर देख सकते हैं जाके। एक छोटी सी अनबॉक्सिंग जो LED इंडिकेटर्स के ऊपर, तो मैंने एक नया वीडियो डाला है जो है इस इंडिकेटर्स को अपने गाड़ी में कैसा इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो हियर, सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।